for to break a pound down. मम्मी मैं ईद में क्या पहनूंगी, कोई पूछ रहा है। ईद में जवाब मंगाओ, जवाब पहन लेना। गाइस मेरी मम्मी मुझे शॉपिंग नहीं कराती और मुझे कुछ लाके भी नहीं देती और कपड़ा भी नहीं दिलाती है। और जो लाके देते जो दिलाते उससे ले लो, हैप्पी, ठीक है। पर अभी तो आपने बोला खुद ही मंगा के तुम पहन लो। मेरी बेटी का जो चाहिएगा मम्मा वो लाके देगी मेरी गुड़िया के लिए। क्या पहनूं मैं इस वाली में? शॉपिंग के नाम से इतना तो कतराती हो, जाती हाँ, हो बट कहाँ से आएगा ऑनलाइन। कपड़ा मैं आपको दिखा दूंगी, मुझे ये पसंद है और फिर वो आ जाएगा, ठीक है? सही है, जाके आप लाना। अगर क्यों आपकी फैमिली का इतना क्यूट होने का राज क्या है बताओ, ताकि हम भी हो जाए। आयन बताओ, आपकी फैमिली का इतना क्यूट होने का राज क्या है बताओ, ताकि हम भी हो जाए। क्यूट होने का राज? नूर। नूर होने का राज तो हो सकते हैं, बट क्यूट होने एंड स्पीचलेस हो चुके हैं। क्या स्पीचलेस हो चुके हैं? मैंने तो बोला ना, एक्चुअली आपने जो ये मैसेज लिखा है ना, ये बता रहा है कि आप कितने क्यूट हो। तो आई थिंक आतिफा आप ऑलरेडी क्यूट हो, आपको और क्यूट होने की जरूरत नहीं है। इतना ही क्यूट होना चाहिए एक इंसान को, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अरे गाइस वो जो मैंने कपड़ा पहना था वो कोई नया कपड़ा नहीं है, वो आपको अगर याद होगा मैंने ये कपड़ा सेकंड टाइम पहना, और फर्स्ट टाइम मैंने पहना था मैंने इसमें एक डांस रील बनाई थी। कौन से गाने पे? क्यों बनाए? उसका नाम क्या? बरसातें, बरसातें नाम है, क्योंकि मुझे आते नहीं है इतने, और एक्ने भी बहुत ही कम आते थे। अभी पता नहीं, लेफ्ट प्रोफाइल मेरी प्रेफरेबल प्रोफाइल है, और लेफ्ट में इसी पोर्शन पे मुझे पहले भी एक मोटा सा पिंपल आ गया था, अभी यहाँ पर भी आ गया है। अब देखते हैं स्कार छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है। वो पिछले वाला तो छोड़ के गया था, बट वो अपने आप ठीक हो गया। मैं कुछ भी नहीं लगाती सच में, मैं कुछ अपना खास स्किन ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं करवाती हूँ, बस हाइड्रोफेशियल है। हाइड्रोफेशियल होता है, हाँ वो मेरी डर्मेट है डॉक्टर ज्योति, वो मुझे जबरदस्ती करवाती है कि करवाओ ये करवाओ ये करवाओ, तो मैं करवाती हूँ बस। कम इन, कौन है आपको? प्रोटीन नहीं है ना उसमें? हाय गाइस, सो अभी मैं घर से जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ साक्षी के घर पे क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ और फिर मुझे 10 बजे तक के वापस। चलिए आप बताइए क्या 5 क्वालिटी मेरी चाहिए। तुम्हारी 5 क्वालिटी? आप तो अच्छे लग रहे हैं आज। हाँ आप बताइए। चलिए बस, ये गंदी एक्टिंग आप कर रहे हैं ना रोजे में, ये गंदी एक्टिंग झूठ वाली। क्वालिटी तो 5 है, बहुत 5 से बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है 5, वो बताइए, वो बताइए जो अच्छी नहीं है। जो कि नहीं अच्छी, अच्छी नहीं है ऐसा, अच्छी नहीं है मतलब तुम्हारी वो एक अच्छी, वो उनको समझ में नहीं आया। चलो रहना अच्छी बता देते हैं, तुम बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो, और बहुत ही ख्याल रखने वाली बेटी हो, बहुत ही नमाजी परहेजगार हो, और सिर्फ काम से जाती हो और वापस घर में आ जाती हो, और बहुत ही प्रोफेशनल हो। अगर प्रोफेशनलिज्म में बात करते हैं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, कब पोस्ट होगा, क्या मतलब तुम उसका एडिटिंग तक भी देखती हो कि कहाँ में एक शॉट, तुम्हें ये भी पता होता है कि जब तुमने उसको मना किया था ना ये वाला शॉट मत लगाना, और एडिटिंग में कभी गलती से बहुत बड़े सफाई को शॉट लग गया कि वो भी नहीं, तो इस तरीके से क्वालिटी तो बहुत है तुम्हारी माशाल्लाह से। क्या तारीफ सुनना चाहती हो क्या सुनवाना चाहती?